नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 13 अगस्त के दिन एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है और मैंने कोशिश करी है सभी जो उनकी जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैं आपको जो आंसर्स हैं वो करेक्टली बता सकूँ, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स की और साइंस की। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट करने जाता हूँ, सभी जोन्स का जो पेपर है ना वो बिल्कुल आला लगा रहा है। कुछ लोगों ने मुझे कुछ टाइप के क्वेश्चन भेजे हैं, उसी शिफ्ट में कुछ लोगों ने कुछ टाइप के क्वेश्चन भेजे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना कि मेरी शिफ्ट में नहीं आया, मैंने दिया एग्ज़ाम। दोस्तों डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट एग्ज़ाम तो आ ही रहा है, लेकिन हर जोन का अलग अलग एग्ज़ाम आ रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों कुल मिलाकर जो ज़्यादातर जोन्स के हमें जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हैं। चलिए, वैक्सीन की खोज किसने की? तो दोस्तों एडवर्ड जेनर के द्वारा वैक्सीन की खोज की गई। वोल्टामीटर का क्या काम है? तो वोल्टेज को कंट्रोल करना वोल्टामीटर का कार्य है। धारा की यूनिट पूछी गई तो ये एम्पियर होती है। अरुण जेटली किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वो कितने होते हैं? तो दोस्तों 3 होते हैं। कार्य का मात्रक पूछा गया, ये दोस्तों जूल होता है। इंडिया और US के बीच जो सैन्य युद्धाभ्यास है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। युगांडा की राजधानी इसलिए पूछी गई क्योंकि राष्ट्रपति ने अभी 3 देशों की यात्रा की थी, ये कंपाला है। पशुपति किस भगवान को कहते थे? तो ये शिवजी को कहते थे। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों सिंधु नदी है। 2018 के एशियन गेम्स कहाँ होंगे? जकार्ता में होंगे। हाइड्रोफोबिया से क्या होता है? दोस्तों एक कुत्ता काटने से होता है, इससे पानी से डर लगने लगता है व्यक्ति को। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है पृथ्वी के सापेक्ष, अगर कोई 48 किलो का है तो वहाँ 8 किलो रह जाएगा। सिंधु घाटी में किस भगवान की पूजा की जाती है? क्षमा करें, रेबीज क्या होता है? तो कुत्ता काटने से ये रेबीज रोग होता है, वायरस के माध्यम से होता है। दोस्तों सिंधु घाटी किस में जो है किस भगवान की पूजा होती थी? तो पशुपति की पूजा होती थी। जोजीला दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? ये विलियम हार्वे के द्वारा की गई। बंदूक से निकली गोली किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का जो थर्ड लॉ उसके ऊपर आधारित है, एक्शन टू रिएक्शन। कोशिका का बाहरी भाग क्या कहलाता है? दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन वगैरह भी कहला जा सकता है। एक बुक पूछी गई, टू फेट्स विद बुक्स के जो ऑथर हैं वो पूछा गए, अभी तक मुझे मिल नहीं पाया उसका जवाब, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्री पूछे गए, तो ये प्रकाश जावड़ेकर हैं। UIDAI या आधार के अगर हम CEO की बात करें तो वो पूछा गया, अजय भूषण पांडे हैं ये। SBI के चेयरमैन पूछे गए, तो ये रजनीश कुमार जी हैं। इन्फोसिस के CEO पूछे गए, सलील पारेख हैं। टाटा के चेयरमैन पूछे गए, ये नटराजन चंद्रशेखरन हैं। तमिल तहवा ओनर, ये दोस्तों कबड्डी लीग है और इसके जो ओनर हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछे गए, भीमराव अंबेडकर हैं। आनुवंशिकी के जनक पूछे गए, ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों असम में मनाया जाता है। टेलीफोन की खोज किसने की? ये ग्राम बेल ने की। नोबेल गैस कौन सी हैं? आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल से, नोबेल गैस जिनन रिंडन ये सब नोबेल गैस के रूप में आती हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। pH का मैक्सिमम स्केल तो 14 तक होता है और 7 नंबर उदासीन होता है। 7 से 14 तक बेस कहलाते हैं और 7 से पहले के एसिडिक। प्रोटॉन के खोजकर्ता पूछे गए, तो दोस्तों ये रदरफोर्ड हैं। असम के गवर्नर पूछे गए, तो जगदीश मुखी हैं। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री पूछे गए, ये कहाँ किस देश में है? तो दोस्तों ये मॉरिशस में है। बाबर नामा किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है। बीमा योजना, प्रधानमंत्री जो बीमा योजना थी उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन? नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये 13 तारीख में ज़्यादातर हमने क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए हैं ज़्यादातर जोन्स के। हो सकता है कुछ जोन्स में अलग अलग पेपर आओ, तो जैसे ही हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।